बाबा ने किसी से रीजन से कुछ दवाइयों को कंडेम कर दिया, वो शायद स्लिप ऑफ द टंग भी हो सकता है, लोगों की सेव की है।
चाहे वो जो है हार्ट अटैक, चाहे चाहे ब्रेन हेमरेज, चाहे चाहे वो अलग अलग जो है लीवर, किडनी, हार्ट ट्रांसप्लांट, कितने बड़े बड़े काम किए, एडवांस सर्जरी, एडवांस जो मेडिकेशन है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, इसमें बहुत प्रगति की है। लेकिन जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज है, जितने भी जेनेटिक डिजीज है, और जिनको अभी तक ये इनक्यूरेबल डिजीज कह रहे हैं, मैंने कहा हमने भी उनमें से 100 बीमारियों का पूरे एक हमने 3 चरण में बात की। हमारे पास क्लिनिकल एविडेंसेस हैं, हमारे पास रिसर्च पेपर के एविडेंसेस हैं, और हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक मोटा आदमी लाओ, एक दिन में 2 किलो, 1 से 2 किलो वजन घटा दूंगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। योगा और आयुर्वेदा से प्रिवेंशन कैन बी डन, बट क्यूरेबिलिटी जो है रेट वो एलोपैथी का आई थिंक अभी भी ज्यादा है। आप अभी तो नए डॉक्टर, अभी आप करोगे एलोपैथी में भी मैक्सिमम बीमारियों का कंट्रोल है, जो बीपी और शुगर। अच्छा बाबा एक बात बताइए, पेन मैनेजमेंट है, मेडिकेशन बाबा, तो वहां पर सिम्टोमेटिक एक बात अच्छा और फिर पर्सनल क्यूरियोसिटी है, जैसे किसी की बात समझ में ना आ रही हो लाख समझाने के बाद भी, तो उसको क्या योगा कराए कि तनाव मुक्त हो, बात समझ में आ जाए। अनुलोम विलोम भ्रामरी उठी भाई, ये सब करके देखते हैं। ये भ्रामरी है प्रिय उठी, आपकी बात याद आती है, पानी में मीन प्यासी रे मोहि, सुनी सुनी आवत हासी, आत्म जान बिना नर भटके पुर मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, जाको ध्यान करे विधि हर हर मुनि जन सठासी, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष विनाशी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। तो एक दो कॉन्सेप्ट है, बाहर की चीजों से भी समाधान है, लेकिन सारा समाधान हमारे भीतर भी है, और ये मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानता है। सारे केमिकल सोर्स हार्मोन से बाहर हम मेडिकेशन के से, यदि उनको ठीक तरीके से योग किया जाए तो अंदर से भी फुलफिल कर सकते हैं। इसलिए मैं वापस कहूंगा 90 से लेकर के 99% तक हम दवाओं से, ऑपरेशन से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, बाबाओं से, गुरुओं से सब बचकर में भी गले लग गया। देखो अभी गले लगाता हूँ पूरी है ना, कोविड प्रोटोकॉल है, इसलिए जरा सा ना सभी यहाँ सब कोविड फ्री, यहाँ कोविड फ्री है क्योंकि आपने हमारा आरटीपीसीआर तो बाहर ही ले लिया था। हाँ, तो इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं, गले भी नहीं ली। लेकिन एक बात देखो, ये एक मैं बात वापस कहूंगा, दिक्कत कहाँ जाती है, एक मतलब मैं एलोपैथी के बारे में थोड़ा जाए, मैं वैसे किसी भी अपनी बात कह रहे हैं, इसलिए सरकार को इनिशिएटिव देना चाहिए कि मॉडर्न साइंस में आयुर्वेदा, यूनानी, एलोपैथ सबको मिला के एक टास्क फोर्स बनाए, उस पर रिसर्च करे, उस पर पेपर पब्लिश करे और इंटीग्रेटेड मेडिसिन लाए। ठीक है, तो सरकार से आपने मांगे, हमें आप भी मिलना है सरकार से, आपने मांगे बाबा को लेकर कोई बिलाप नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि एक कॉमन मैसेज जनपद भी भेज जाए कि हम सबका भला करना चाहते हैं। ये दोनों आजा डॉक्टर विवेक, मैं देखिए मैं यहाँ आने से बड़ा फायदा हुआ मुझे, जो मुझे नॉलेज नहीं थी कि ऐसे ऐसी दवाइयां आपके पास है जो कि कहते हैं फैटी लिवर है, एंजियोप्लास्टी है। मैं और दूसरी बात, आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूं मैं कि कुछ लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकी दवाइयों को मना कर देते हैं, इसको मत खाइए। तो हम लोग ये मैं आपके टीवी के नाते कहूंगा माध्यम से कि मैं हम लोग एलोपैथी में हार्ट अटैक का इलाज कर रहा हूँ, मैंने एंजियोप्लास्टी कर दी, पेसमेकर लगा दिया, लेकिन अगर कोई दवा या किसी और बीमारी के लिए कोई आयुर्वेदिक दवा खा रहा है तो उसको रोकना नहीं है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है वो एडिशनल फायदा दे रहा हो जो हमारे एलोपैथी में नहीं है। ये बात बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, कुछ ऐसी बातें हैं जैसे हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता आयुर्वेदा में, अभी नहीं है वो, अभी नहीं है। लेकिन कैंसर का आप कह रहे हैं, कैंसर का है, क्या रिसर्च पेपर आ सके कि हार्ट डिजीज को भी रिवर्स किया। कोलेस्ट्रॉल की प्लाकिंग कम हो सकती है, जितना बड़ा हुआ रिवर्सल ऑफ प्रोग्रेसिव ऑफ डिजीज हो सकता है। इसको भी बोलने का मौका दीजिए, वरना कहेंगे पिताजी न्याय नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ पेशेंट शुड बी बेनिफिटेड, डिजीज ट्रीट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पैथी से हो, एलोपैथी, आयुर्वेदा हो, कुछ भी हो, उन तीनों चारों चीजों से पेशेंट को बेनिफिट होना चाहिए। डॉक्टर कौशल, दिनेश जी क्लोजिंग रिमार्क में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम ऐसे हैं, और डॉक्टर कौशल को मैं जितना जानता हूँ बहुत बड़े समालोचक होते हैं वो चीजों के, अपने दोस्तों को भी वो बख्शते नहीं है जिस मामले में उनको लगता है कि उनको बातें कहनी चाहिए।
तो और देखिए ये जो मिलाप हो रहा है अद्भुत है, ये जो संगम है अद्भुत है, और योग दिवस पर इससे बढ़िया तस्वीरें नहीं हो सकती। और हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप योग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं,